Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. We are doing the lesson number 2 for class 11th. That is, we are not afraid to die till we are together. So, we have covered page number 13 and 14 of your textbook in the first part of this video. Now, I am going to take the rest of the lesson in this part. So, we are going to start with uh, the last line given on page number 14. Water, water everywhere. I could feel that ship had water below, but I dared not abandon the fee wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. Now, what वट्स हैपन अभी तक यहाँ पे सिचुएशन नरेटर अकेले संभाल रहे थे तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर वो कहते हैं हर जगह ही उस वेव की वजह से पानी ही पानी दिख रहा है हमारी शिप ऑलमोस्ट पानी में सिंक हो चुकी है आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो अब उसको उनको लगता है कि शिप का जो नीचे वाला जो बेस एरिया होता है शिप का वहाँ पर भी जो है वो वाटर है बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील बट वो व्हील को छोड़कर जा मतलब वो व्हील को छोड़ ही नहीं सकते थे अगर उन्होंने व्हील को छोड़ा तो फिर शायद शिप उनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो इन्वेस्टिगेट मतलब वो उस रीज़न को ढूंढने के लिए कि कहाँ तक शिप में एक्चुअली डैमेज हुआ है वो वो भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था वो अकेले हैंडल कर रहे थे अभी इस सिचुएशन को और वो व्हील को नहीं छोड़ सकते थे सडनली Uh, वो देखते हैं कि फ्रंट हाच ओपन होता है डोर ओपन होता है और मैरी uh, जो है वाइफ उनकी जो नरेटर की वाइफ है वो आती हैं और वो तेज़ की शाउप करती है वी आर सिंकिंग डेक्स आर स्मैश अब वो कंडीशन उनको बताती है कि डेक्स पूरे स्मैश हो चुके हैं जो नीचे के भी डेक है वो भी बिल्कुल स्मैश हो चुके हैं वी आर फुल ऑफ वाटर हर जगह बस पानी ही पानी है उस समय वो उसको बोलते हैं मैरी को कि यू टेक द व्हील नाउ यू हैंडल द व्हील तुम तो व्हील को संभालो मैं बाकी सिचुएशन को हैंडल करता हूँ एज आईट आई शाउटेड एंड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हाच हाच मीन्स द डोर वो फटाफट से व्हील उसको एक हाथ से व्हील पकड़ाते हैं और एक हाथ से हाच यानी कि डोर की तरफ डोर को पकड़ के उसकी तरफ उसको संभालने के लिए चले जाते हैं नाउ मूविंग फॉर द लारी एंड हर्ब ये मैंने आपको बताया था कि दो लोग थे लारी जो अमेरिकन सिटीजन है और हर्ब जो स्विट्जरलैंड के सिटीजन है ये अपने साथ इनको लेकर आए थे हेल्पिंग मैन बनाकर जब वो केप टाउन से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी तो वट देवर डूइंग पूरा पानी भर चुका है देवर पम्पिंग लाइक मैड मैडवन वो पागलों की तरह से शिप से पानी को पंप कर रहे थे ताकि पानी जो है वो बाहर चला जाए ब्रोकन टेम्बल्स हंग एट क्रेजी एंगल्स हर जगह पे टूटी हुई लकड़ी के ब्रोकन टेम्बल्स मतलब टिम्बर्स टिम्बल्स अ पीस ऑफ वुड वो अटके हुए थे लगे इधर उधर कोई तैर रहे हैं कभी कुछ मतलब कहीं लट कहीं अटके हुए हैं कुछ एंगल्स पूरी शिप की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी होल स्टार बोर्ड नाउ स्टार बोर्ड इज़ द साइड पोर्शन और द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप बिल्कुल जो शिप का जो साइड uh, वाला हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा इनवर्ड रहता है कि अंदर की तरफ बल्ज आउट हो गया था बल्ज मतलब स्वेल हो जाना अंदर की तरफ बिल्कुल जैसे डेंट पड़ जाता ना है कार में उसी तरह से अंदर की तरफ uh, वो मतलब पुश हो गया था क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट टेंड टॉयज जितना भी उनका सामान था उनके बच्चों का जितना भी सामान था इट्स लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर सब का सब पानी में बह गया था और अगर जो कुछ बचा था वो शिप के डेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा था आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू चिल्ड्रन्स कैबिन अब इतने सब के बाद एकदम से नरेटर को ध्यान आया कि मुझे बच्चों को देखना चाहिए वेदर दे आर फाइन और नॉट तो वो फटाफट से चिल्ड्रेन के कैबिन बच्चों के कैबिन की तरफ जाता है और उनसे पूछता है आई यू ऑल राइट आई आस्ट येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक बंक एक तरह का बेड है जिसके ऊपर वो बच्चों का बेड होता है ना जैसे वो स्टेयर वाला तो ऊपर के हिस्से में वो दोनों बैठे हुए थे और वहाँ से उन्होंने बोला येस yes. लेकिन जो सू थी यानी कि जो उनकी डॉटर थी उसने अपने फादर को बोला बट माई हेड हर्ट्स अ बिट पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अवर आइज जब इस पूरे इंसिडेंट में सू को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और उसके बाद भी इतनी चोट के बाद भी उसने अपने पापा को बोला आई एम फाइन बट मेरा हेड जो है वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है ऐसा क्यों क्योंकि उसका जो सर है वो किसी एक बहुत बड़ी चीज़ से टकराया था जिसकी वजह से उसका हेड जो है वो काफ़ी स्वेल हो गया था और आइस के ऊपर का पूरा हिस्सा उसका जो है वो स्वेल हो चुका था अब नरेटर यहाँ पे कहते हैं आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड्स अब इस समय नरेटर अपने बच्चों को सिर्फ एक बार ये देखकर कि उनके बच्चे अलाइव हैं जिंदा हैं ठीक हैं उनकी इंजरीज को कहते कि मेरे पास अभी इंजरीज देखने का भी टाइम नहीं है

विद स्टार बोर्ड साइड बैस ओपन वो जो अंदर वाला जो डेंट था जो मैंने शिप के अंदर आपको बताया उसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली शिप के अंदर पानी आता ही जा रहा है जो वेव है कि जितनी भी वेव्स आ रही हैं शिप के ऊपर उस उस हर एक वेव की वजह से पानी इस आता ही जा रहा है आता ही जा रहा है क्योंकि जो शिप का साइड वाला हिस्सा वो तो प्रोटेक्ट करता है पानी से आपको अब वही अगर टूट गया तो पानी तो अंदर आता जाएगा सो बेसिकली नरेटर यहाँ पे ये यह सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस चीज़ को रिपेयर नहीं किया वी वुड श्योरली सिंक हम तो पक्का डूब जाएंगे ऐसा कर करते करते उन्होंने कहीं कुछ हद तक कैनवस को स्ट्रेच किया और वाटर प्रूफ हैच यानी कि कवर हैच यानी एक कवर को कहते हैं जितने भी होल्स शिप में हो गए थे उन होल्स को कवर किया और काफ़ी हद तक वो पानी को दूसरी साइड पे डिफ्लेक्ट करने में सक्सेसफुल हो गए थे और काफ़ी पानी को बाहर भी उन्होंने थोड़ा बहुत निकाल दिया था अब उसके बाद भी काफ़ी पानी अभी भी शिप पर है लेकिन स्टार बोर्ड की तरफ नहीं है वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो चुका और वो कैसे हुआ क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को हाच बनाकर अच्छे से कवर कर दिया था जो मेन बड़े बड़े होल्स थे जहाँ से पानी आ रहा है अब पानी एक्स्ट्रा आना बंद हो गया था जितना पानी है वो प्रेजेंट शिप पे ही था और वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था अब प्रॉब्लम और ज़्यादा कब खड़ी हुई पंपिंग कर रहे थे मैंने आपको बताया था वो पानी ले रही और जो जो उनका हर्ब थे वो दोनों पंपिंग कर रहे थे तो पंपिंग करते करते वो पम्प्स को यूज़ कर रहे थे तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या अराउ हुई मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अब वो हैंड पम्प्स में जो शिप के ऊपर इधर उधर का डेब्रिस डेब्रिस मतलब जो कचरा जो गारेज फ्लो कर रहा था शिप के ऊपर हमारे कैबिन्स के अराउंड उसकी वजह से हमारे जो हैंड हैंडपम्प थे जिससे वो पानी निकाल रहे थे वो चोक हो गए थे ओके okay? एंड जो इलेक्ट्रिक पम्प था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था बिकॉज इतना पानी या इलेक्ट्रिसिटी कैसे है वो करेगी तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा था थ्रेटिंगली थ्रेटिंगली बढ़ जा रहा था तो यहाँ पे थ्रेटनिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा डरावनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा यू नो स्केरी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड हैंडपम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड अब जो उनके जो स्पेयर हैंड हैंडपम्प्स थे जो वो अपने साथ एक्स्ट्रा हैंड हैंडपम्प्स लेकर आए थे वो भी रेंच्ड मतलब बुरी तरह से टूट चुके थे अलॉन्ग विद द फोर्स सेल द जिब एंड द डजीज एंड द मेन एंकर अब यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा और ख़राब होती है उन्होंने जब देखा कि तो टूटे ही हुए हैंडप्स के साथ साथ और सामान भी पड़ा था जो सेल जिप जो एक्स्ट्रा वो लेकर आए थे अपने साथ यू you नो know, जो ऑल्टरनेट उन्होंने चीज़ें रखी थी डेंजीज मतलब स्मॉल शिप्स को कहते हैं और ज़्यादा जब कभी आगे हमें छोटी जगहों पर ट्रैवल करना होता है तो पूरी शिप को हम नहीं लेकर जाते हैं को ही हम उधर उधर तक ट्रैवल करने के लिए छोटी जगहों पर ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद वो बाद में शिप में वापस आ जाती है तो वो भी सब टूट गई थी और जो मेन एंकर था शिप का जिसे शिप रुकती है एक्चुअली शिप को रोकने के लिए आपको एंकर फेंकना पड़ता है एक जगह पे जहाँ वो एंकर अटकेगा आपकी शिप वहाँ जाके रुक जाएगी तो वो एंकर भी उनका सारा का सारा जो है वो टूट चुका था देन एकदम से नेटर को याद आता है दैट वी हैड है इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर वो कहते हैं नीचे मैंने एक स्पेयर पम्प मुझे याद आया कि मैंने एक रखा हुआ है वो फटाफट से भाग कर जाते हैं वो पम्प लेकर आते हैं उसको पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं एंड थैंकफुली दैट पम्प वर्ड और वो पम्प काम करना शुरू कर देता है और वो पानी फिर से निकालना स्टार्ट कर देता है नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द नाइट ड्राट ऑन विद एन एंडलेस पिटली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टरिंग एंड वॉकिंग द रेडियो वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेड ए कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ना वो अब नरेटर यहाँ पे बोलते हैं कि वो रात पूरी जब सेकेंड जानवरी की हम बात करें वो रात पूरी की पूरी बिटरली कोल्ड रूटीन ऐसा रूटीन जो हम फॉलो नहीं करना चाहते पम्पिंग करते हुए स्टेयरिंग करते हुए सिचुएशन को संभालते हुए कभी कुछ भी हो सकता था पूरी स्ट्रेसफुल नाइट उन्होंने वो पास करी थी एंड वॉकिंग द रेडियो मीन्स रेडियो मीन्स दे आर गेटिंग मे डे कॉल्स बट आर मे डे कॉल्स है मे डे कॉल्स आर द कॉल्स फॉर हेल्प जब आप किसी जर्नी पे जाते हो शिप जर्नी पे या वॉइज शिप वॉयज पे जाते हो तो देर आर सेंटर्स जो आपको हेल्प uh, के लिए यू नो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी जगह पे पर फंस गए हो बट वो वर्ल्ड के इतने रिमोट एरिया में थे कि वहाँ पे सिग्नल आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल था और इसीलिए उनको अपनी मे डे कॉल्स का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था नेक्स्ट पैराग्राफ सीज़ हेड हेड एंड अलार्मिंगली शी हेड टू अनोमस ब्लैक आईज एंड नाउ शी शोड डीप कट ऑन हर आम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो अपने बच्चों को देखने गया था तो सी जो उसकी डॉटर है नरेटर की उसको बहुत तेज़ की चोट लग गई थी और जो उनका उसका जो हैड था वो काफ़ी स्वेल हो गया था अब जब वो उनके पास आती है तो वो उनको दिखाती है कि उसके आम पर एक डीप कट भी है तो जब नरेटर पूछते हैं कि तुमने उस पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें और भी चोट लगी है तो उसने जवाब दिया दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू वैन यू वर ट्राइंग टू सेव एस ऑल मतलब यहाँ पर वो कितना मेच्योरली रिएक्ट कर रही है एक सेवन ईयर्स की डॉटर एक सेवन ईयर्स की गर्ल अगर हम बात करें उसके अंदर कितना करेज है मतलब बिल्कुल क्राई नहीं कर रही है इतनी बुरी तरह उसको चोट लगी हुई है और अपनी इंजरीज को भी छुपा रही है इसलिए क्योंकि वो अपने पापा को तंग नहीं करना चाहती थी और चिंता नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनको उसको पता था कि उसके फ़ादर कहीं ना कहीं हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो उनकी वरीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहती थी अपनी इंजरीज़ के बारे में उन्हें बताकर तो यहाँ पर पॉजिटिव तो नहीं मैं कहूँगी बट यहाँ पर उसका करेज और उसकी मेचोरिटी उसका कंसर्न अपनी फैमिली को देकर कि वो सिर्फ एक सेवन ईयर्स की गर्ल है और फिर भी इतना अच्छा और इतना बड़ा उसने सोचा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे अब सेकेंड जनवरी का जो दिन था वो उन्होंने निकाल दिया मूविंग ऑन टू दर्ड जनवरी बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी थर्ड द पम्प्स है वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक टू आर्स रेस्ट इन रोटेशन अब इतनी पम्पिंग के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया था और इतना कंट्रोल करने के बाद ऐसा हो गया था कि नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक टू आवर्स रेस्ट इन रोटेशन मतलब उनको लगा कि अब वो एक एक करने एक एक करके दो घंटे के लिए सो सकते हैं बिकॉज दे वर डूइंग द हार्ड वर्क तो अब उनको रेस्ट की जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि हम हर टू आवर्स में वी विल टेक द रेस्ट

कॉन्टिन्यूसली पानी उनका जो है वो शिप में आता जा रहा है आई फाउंड आउट दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स मेन रिप फ्रेम्स जो एक्चुअली में बोट को शिप को सपोर्ट करने वाला जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छे से स्मैश डाउन हो चुका टू द कील ना वट इज़ द कील शिप के बेस पर एक स्टील का बेस दिया जाता है और वो बिल्कुल लास्ट लाइन होती है तो वहाँ तक जो है शिप को डैमेज काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका था इन फैक्ट दे वॉज़ नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन अब अगर हमें स्टार बोर्ड को यानी कि शिप के स्ट्रक्चर को या स्टार बोर्ड को जो शिप की साइड उसको अगर ठीक भी करना है तो उतना मटीरियल हमारे पास नहीं है वी ओनली हैव अ फ्यू कबर्ड पार्टिशन मतलब कबर्ड के कुछ छोटे लकड़ी के हिस्से हैं जो हमारे पास बच गए हैं और नरेटर कहता है कि उसको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी सिचुएशन को कहीं ना कहीं संभाल पाएगी वी हैड सर्वाइव्ड फॉर फिफ्टीन आवर्स सिंस द वेव हिट बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया अब वो बोलते इतनी बुरी सिचुएशन के बाद भी उन्होंने 15 आवर्स काट लिए थे और वेव वॉकर अपने आप को होल्ड कर पाई थी इतना मतलब टूटी नहीं कुछ नहीं हुआ अब उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया नियरेस्ट स्पॉट है उनका I checked our charts and calculated that there were two islands a few hundred kilometers to the east. हालांकि ऑस्ट्रेलिया नियरेस्ट जो पॉइंट था बट वो नीरेस्ट इतना भी नीयरेस्ट नहीं ओशन में तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है तो उन्होंने कहा जिस तरह की कंडीशन हमारे शिप की है हम लोग ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं पहुंच पाएंगे तो रेटर ने क्या किया ही चेकड एंड कैलकुलेटेड एवरी उन्होंने अपने चार्टी की मैप्स निकाले कैलकुलेट किया हर तरीके से और फिर ये उनको पता चला कि दो स्मॉल आइलैंड्स हैं अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट पे वो ईस्ट की तरफ ही मूव कर रहे थे तो उसको उनको पता चलता है कि इस रस्ते में दो छोटे आइलैंड्स हैं और उसमें से एक है आइल एम्स्टरडैम जो आइलैंड का नाम है इट वॉज़ अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस बेसिकली ये जो आइल एम्स्टरडेम है एक छोटा सा आइलैंड है और कुछ सिक्सटी फाइव किलोमीटर्स इसकी पूरा टोटल एरिया होगा तो वो बोलते हैं कि ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस है मतलब ये फ्रांस की आ, एक तरह से प्रॉपर्टी और वहाँ पर उन्होंने ना एक बेस कैंप लगाया हुआ है काइंड kind ऑफ of, uh, मतलब कुछ ऑपरेटरी कैम्प ऑपरेशन टाइप्स कुछ कैंप चल रहा है वहाँ पे फ्रेंच वालों ने तो उसके लिए उन्होंने ये आइलैंड क्रिएट मतलब ढूंढा हुआ और उसके ऊपर उनका काम चल रहा है और ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन द वोस्ट वास्ट ओशन सबसे पहले तो हम ये समझते हैं वट इज़ द मीनिंग ऑफ पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन पिनप्रिक मतलब होता है पिन मतलब सुई जब आप सुई को अपने हैंड पे लगाते हो तो छोटा सा एक यू you नो know, एक होल हो जाता है हल्का सा ब्लड आता है बहुत छोटा सा ना तो वो आपको दिखता है और ना इतना ज़्यादा कुछ फील होता है तो वो कह रहे हैं कि ये आइलैंड जो है वो छोटा सा आइलैंड वो पूरे इतने बड़े ओशन में बिल्कुल एक पिनप्रिक जैसा वो कंपेरिजन दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक पिनप्रिक की तरह है दिखना और ढूंढना दोनों तो बहुत मुश्किल है बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट आर सेल अब थोड़ा थोड़ा विंड्स और सी जो है अबेटेड मतलब धीरे होना कंट्रोल होना शुरू हो गई थी तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपना सेल जो है अब दोबारा से लगा सकते हैं आर चांसेज वुड बी स्लिम इन डीड द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन अब वो कह रहे हैं कि हम सेल तो लगा तो लें तो उनको सेल लगाना था बड़ा सा सेल लगाने की वो सोच रहे थे कि दोबारा से लगा लें बट उनको क्या पता चलता है कि उनको जो ऑक्सिलरी इंजन है जो उनका सेकेंड uh, इंजन था जो वो ऑल्टरनेट इंजन लेकर आए थे अपने साथ वो भी आउट ऑफ एक्शन है वो भी चलना बंद हो गया है तो सेल इस सिचुएशन में लगाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा इसलिए वो अपना ये डिसीजन नहीं ले पाए। थर्ड इज ओवर अब हम नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं यहां से इस पैराग्राफ से ऑन जनवरी फोर्थ आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग अब वो पिछले थर्टी सिक्स आवर्स से ऑलमोस्ट डेढ़ दिन से वो पंपिंग ही कर रहे हैं फाइनली वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पे कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ पानी जो है वो शिप पर बचा था नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वॉटर स्टिल कमिंग एन अब जो पानी नॉर्मली आता जा रहा है उसको हमें रोकना है वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट हम मैंने आपको बताया था वो सेल तो सेट नहीं कर पाए थे तो उन्होंने क्या किया प्रेशर ऑन द रिगिंग वुट सिम्पली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट सो वी हॉस्टेड द स्ट्रॉ जिप एंडेड फॉर वेयर आई थॉट दिस टू आईलैंड वर सेल में ज़्यादा प्रेशर लगता है सेल से शिप काफ़ी अच्छे से भी मूव करती है लेकिन सेल को सेट करना उतना ही ज़्यादा टीडियस उतना ही डिफ़िकल्ट है तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली पानी आता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ये जो पानी आ रहा है इसको तो रोकना ही पड़ेगा और होता क्या है कि अगर एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो शिप का वेट जो है वो बढ़ जाता है अगर पानी कॉन्टीन्यूअसली आता रहा शिप में तो शिप आगे भारी हो जाएगी तो आगे चलेगी नहीं मूव नहीं करेगी तो उनको कहीं ना कहीं मेन मास्ट में उन्होंने सेल नहीं लगाई उन्होंने अपना स्टॉम जिप वही जो छोटा सा कपड़ा होता है मास्ट से थोड़ा सा छोटा वही उन्होंने दोबारा से लगा दिया प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन अगर वो कह रहे हैं अप, उन्होंने क्या किया था पूरी शिप को अच्छे से बांधने के लिए रस्सी वगैरह काफ़ी रिगिंग वगैरह कर रखी थी यानी कि रोप्स वगैरह बांध रखी थी उन्होंने कहा कि अगर, अगर अब वो अपना मेन मास्ट सेट करते हैं तो वो सारा का सारा प्रेशर उन रोप्स पर आएगा और जो बची हुई हमारी जो शिप है वो भी कहीं टूट ना जाए बट कुछ ना कुछ तो लगाना था हवा के लिए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने स्टॉम जिबी लगाया एंड हेडेड फॉर आई थॉट द टू आइलैंड वो मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज मैरी को कुछ खाने के लिए मिला और फाइनली उन्होंने दो दिन बाद कुछ एक छोटा सा मील खाया और हल्का सा रिलीफ का उनको सांस लिया मतलब चैन की उनको थोड़ी सी सांस आई बट आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं बट आर रिस्पाइट वो शॉर्ट लिफ्ट ये रिस्पाइट मतलब तो जो चैन की सांस की मैं बात रही थी वो शॉर्ट लिफ्ट थी मतलब ये जो चैन की सांस थी वो कुछ ही टाइम के लिए थी एट फोर पी एम ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहड अस अब चार बजे फिर से यू नो डेंस क्लाउड्स आने लग गए विद इन द आवर विंड की स्पीड दोबारा से फोर्टी नॉट्स होने लग गई और सी जो है वो भी और ज़्यादा वेव्स उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हायर होने लग गई वेदर फिर से काफ़ी डिटोरेट हो गया मतलब और ज़्यादा ख़राब होने लग गया और पूरी रात वेदर खराब रहा एंड बाई डॉन यानी कि जै डॉन मतलब होता है सुबह सनराइज uh, होने से पहले और रात का जो बिल्कुल समय होता है जैसे जस्ट सनराइज़ से कुछ टाइम पहले उसको हम डॉन कहते हैं अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हो डॉन ऑन जनवरी फिफ्थ आ सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट मतलब सिचुएशन और ज़्यादा उनकी खराब हो गई बहुत ज़्यादा डाउन चली गई अब इस समय नरेटर को लगा कि पहले तो वो फिर भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गए थे लेकिन अब तो सिचुएशन ऐसी है कि वो शायद इस दूसरे डेंजर को सर्वाइव भी ना कर पाए तो वो इस सिचुएशन में अपने बच्चों के पास जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े तो एक्सेप्ट कर ही चुके हैं कि क्या उनके साथ बुरा होने वाला है तो वो इस मोमेंट में अपने बच्चों के पास जाते हैं तो उनका जो बेटा है जॉन वो पूछता है कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई आई ट्राई टू अश्योर हिम और पेरेंट्स का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं तो उनको पॉजिटिव करें यहाँ पर वो अपने बच्चों को एक तरह से झूठी तसली देता है या उनको समझाता है डैट हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर कर पाएंगे हम लोग वी कुड मेक इट हम इस मुसीबत uh, से बाहर जरूर निकलेंगे बट डैडी ही वेंट ऑन वो आगे जाता है वी आर नॉट अफ्रेयर ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी स्यू एंड आई सो हेयर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई टोल्ड यू इन द थीम दैट यू नो पार ऑफ ऑप्टिमिज्म इज थ्रू आउट देयर इन दिस लेसन आप देखोगे इसमें तो ये एक उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक छः साल का बच्चा अपने फादर को मोटिवेट कर रहा है कि नो no, पापा जब तक हम साथ में हैं हमें डरने मरने से भी कोई डर नहीं लगता है और हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं क्योंकि जब तक आप 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 लोग हमारे साथ में हो ना जब तक हमारी फैमिली साथ में तो हमें किसी भी डेंजर से डर नहीं लगता है ये बात सुनकर उसके फादर यानी कि जो नरेटर है वो जवाब ही नहीं दे पाए रिस्पोंड नहीं कर पाए लेकिन उनके बेटे की ये वाली बात से उनका डिटर्मिनेशन उनका करेज वापस आ गया I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. Now, that chance. Do, so to if not, okay, God knows. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 220 Uh, and 222 ट्वेंटी टू लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन अब उनके पास उनका सामान था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था सामान तो वो इस समय क्या करते हैं कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं जैसे एज ए टोल्ड कि एंकर जो है वो टूट गया था तो वो यहाँ पर कोशिश करता है कि एक नया एंकर जो है वो क्रिएट करें जिससे शिप थोड़ा सा रुक सके और शिप की स्पीड जो है वो कम हो सके अब वो कैसे करता है उसके पास एक नायलॉन की रोप होती है उस रोप को एक लूप में बनाता है और दो बैरल्स हैं उसके पास बैरल्स यानी कि पैराफिन ऑयल के बड़े बड़े डब्बे बैरल्स होते हैं बड़े बड़े बॉक्सेस। तो एक बॉक्स जो है वो ट्वेंटी टू लीटर्स का था जिसमें उन्होंने ऑयल डाला हुआ था अभी वो खाली थे डब्बे तो उन दोनों के सहारे वो एक नकली एंकर मतलब एक तरह से यू नो you know, आर्टिफिशियल एंकर बनाता है जिससे वो शिप को रोक सके शिप की स्पीड को कम कर सके दैट इवनिंग Mary एंड आई sat टुगेदर होल्डिंग हैंड्स उस दिन मैरी उनकी वाइफ नरेटर अपनी वाइफ के साथ हाथों में हाथ डाल के बैठते हैं और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं एज द मोशन ऑफ brought मोर एंड more वाटर इन थ्रू द ब्रोकन planks, पानी रुक ही नहीं रहा होता वो आता ही रहता आते ही रहता और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके होते कि अब हमारा एंड जो है वो बहुत ज़्यादा नियर है अब हमारा एंड हम मतलब इस एंड को या अपनी डेथ को हम लोग नहीं रोक सकते एंड वी हैव ट्राइड इनफ हमने हर वो कोशिश कर ली है लेकिन वो पानी जो आता जा रहा है उससे वो कहीं कही ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और बैठ जाते हैं कि अब हम और इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते नाउ फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द लेसन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द लेसन इन द पार्ट थ्री ऑफ दिस वीडियो